आज so, हाँ, में हम नाजिया मलिक से मिल रहे हैं और मेकअप आर्टिस्ट शेफ होस्ट एक्टर सो अभी हमने रिक्वेस्ट किया नाजिया से कि यार कुछ मेकअप के स्किल्स हमें बिल्कुल होनी बिल्कुल चाहिए बल्कि मुझे होता है कि लड़कियों को जरूर सीखना चाहिए मेकअप आप प्रोफेशनली नहीं भी कर रहे हो तो अपने लिए आप कहीं पर भी जा रहे हो ना हल्का फुल्का मेकअप आना चाहिए कभी हमें फिर मौका मिलेगा ना तो हम एकदम क्विक एक मेकअप जो है ना वो भी करना सिखाएंगे लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ ये कि मैं किसी दावत से आई हूँ तो होता यह कि अब आपको एक दावत से दूसरी दावत पर जाना है पूरा मेकअप रिमूव करने की जरूरत नहीं है तो अक्सर मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे ठीक क्या तुम अभी इसी के ऊपर मेकअप करके चले मेकअप टाइम का है पंद्रह मिनट है जाने में दूसरी जगह पर अब मुझे जो है वहाँ पर शादी पे जाना है तो मैं कैसा मेकअप करूंगी मुझे थोड़ा सा हैवी करना नहीं है। नहीं नहीं मैं थोड़ा नहीं? सा हैवी, हैवी ना वहाँ पे लड़कियों ने ठीके शीके भी लगाए हुए हैं तो हम कैसे ऐसे चले जाएंगे थोड़ा तो तैयार होना ना लड़कियाँ तैयार व्यार होकर आएंगी दोस्तें जितनी भी हमारी फ्रेंड्स हैं सब तैयार होकर आएंगी तो उसमें आपको ये करना होता है कि क्विक जिस तरह ये मेकअप है ना इसको मैं तीन दे 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 एक तो ये कि आपने हल्का सा जैसा कराची है ना मैं सीरियसली बताऊं कराची के वेदर में और ये जो दो घंटे की फ्लाइट के वेदर में जमीन आसमान का दुनिया बदल जाती है।, है मैं तो हैरान हूँ कि वहाँ पर गर्मी है लिटरली वहाँ पंखे चल रहे होते हैं आजकल शायद बारिश होगी तो थोड़ा बहुत पंखे चलना बंद हुए होंगे वरना इतनी गर्मी थी वहाँ पे जनवरी में भी कि हम लोग लॉन के कपड़े पहन के घूम रहे थे अच्छा। और मैं जैसी यहाँ पर आई हूँ बीमार थी पता हुँ। है हुँ। मुझे आए दिन मुझे वहां पे नजला जुकाम खांसी ज्यादा और यहाँ आके मैं ठीक हो गई तो अल्लाह का शुक्र खैर तो अब यह है कि मैं आपको बताती हूँ कि मेकअप में क्या क्या करना होगा सबसे पहले तो हल्का सा जो है ना मैं कॉर्नर बनाऊंगी और मैं यहाँ पर जो है ना शिम, शिमर्स जो है ना वो ऐड करूंगी है. तो कॉर्नर बनाने के लिए मैंने आ, लेना है एक ब्रश जो फ्लफी ब्रश होगा ऐसा और मैं लूंगी एक डार्क कलर कोई सा भी right. जिसमें मैं ब्राउन और बरगंडी सा मिक्स करके सिर्फ जो कॉर्नर है ना इसमें मैं डैप करके हुँ. और इसको ये कर दूंगी फैला दूंगी. दूंगी हाँ ठीक है बस सिर्फ सॉफ्ट सा मैंने इसको फैला दिया डार्क कर दिया ना ये आजकल आजकल मेकअप चल कैसा रहा है तो मैंने देखा बहुत नेचुरल मेकअप नेचुरल no मेकअप तो है देखिए नेचुरल मेकअप में मैं कहती हूँ आपको लगाना सब कुछ पड़ता है अपने हाथ को हल्का रखें ये नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा आँखों को डार्क कर दिया देखिए अगेन स्किन टू स्किन होता है मैंने इस्लामाबाद की लड़कियों को देखा यहाँ पे बहुत सॉफ्ट मेकअप भी चल जाता है पर जब आप कराची जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिस तरह मेमन कम्युनिटी है उनकी लड़कियाँ है, जो हैं उनकी स्किन बिल्कुल डिफरेंट होती है तो उनके ज़्यादा मेकअप की जरूरत नहीं होती है जिसमें दिल्ली वाली लड़कियाँ तो उन लोगों को ज़्यादा मेकअप की जरूरत नहीं होती है लेकिन जैसे ही आप दूसरी कम्यूनिटी की तरफ जाएँगे तो वहाँ पर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा उनका फ़ाउंडेशन भी उनको चाहिए होता है इंटीरियर स्टाइट के कुछ लोग हैं जिनके लिए आपको फाउंडेशन ज़रा क्योंकि उनकी स्किन ज़रा एकदम हार्ड हो जाती है थोड़ी तो एज में जाके और डिफरेंट होती है, है। तो उनके लिए फाउंडेशन थोड़ी तो डिफरेंट हो जाती है फिर उनको थोड़ा हैवी करना पड़ता है मेकअप सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किन टू स्किन वेदर टू वेदर, ये नहीं कि एक ही तरह का मेकअप आपने सब पर जो है वो चला लिया बल्कि मैं भी एक जगह पर वर्कशॉप देने गई थी इंटीरियर पंजाब में यार वहाँ पे कुछ और ही हाल है मेकअप का <laughs> मैं कहती हूँ यार लड़कियाँ इतनी प्यारी होती हैं इतनी अच्छी स्किन होती है वहाँ पर कोई चूना टाइप की चीज़ है वो लगाती हूँ लिटरली चूना टाइप की चीज मतलब गोरा करने के लिए गोरा करने के लिए वो चूना है हाँ। मैंने जब वो अपने ऊपर अप्लाई किया मेरी स्किन जो खिंचने लगी और मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट के इन्ग्रीडियंट्स तक नहीं लिखे हुए क्या है ठीक है वो तीन सौ का मिलता है और वो आप लगा के वो लड़की बिल्कुल सफेद हुई हो जाती है वाइट और वो मेकअप करें

अच्छा या मैं पसंद हर, नहीं आता नहीं सूट ही नहीं करता किसी का मेकअप पता नहीं वो लोग मेरी आंखों को सही नहीं बनाती हैं है। uh, एक्चुअली मेरे, मेरे है, सही मेरे फीचर्स नॉर्मल फीचर्स नहीं है right. आपको देखने में लग रहे हैं जो मैं इनको बेहतर कर लेती हूँ दे आर डिफिकल्ट ड्रूपी आइज हैं थोड़ा जो है uh, हाँ भैया आइज ड्रुपी जिनको मैं लिफ्ट करती हूँ ये चीजें हैं मतलब एक आंख होती है बादामी यू एक होती है सीधी एक होती है यू सो आई हैव ड्रूपी I have you हाँ <laughs> तो मुझे इसको लिफ्ट करना पड़ता है फिर लिफ्ट कैसे करें? हाँ, <laughs> ये कह हाँ तो वो, तो फिर वो कर सकते हैं अच्छे लगते हैं और जब आपकी आईज थोड़ी सी लिफ्टेड होती है तो आप वन आई कलर भी लगा सकते हैं और बल्कि बिल्कुल आप न्यूड रख के उनको लाइनर को स्मच करना पड़ता है जब आप लिफ्टेड आइज है लाइनर को स्मच करें वो लिया कंसीलर लिया और हल्का सा इसको जो है ना इससे एक आँख के आगे ताकि आँख जो है ये खुली भी हो और मैं इस पर ज़रा सा शिमर भी यूज़ कर सकूँ फिर ना ठीक है तो ये एक अच्छा सा शिमरी सा इसमें लुक आ जाएगा इसको ना देखिए डेप्थ आ रही है ना डार्क हो रही है तो ये थोड़ी सी लाइट हो जाएगी हुँ. और इसमें जो है एक शिमरी सा मैं लुक दूंगी अब मैं इसमें एक हल्का सा एक शिमर है वो एड ऑन करूँगी ठीक है क्योंकि ये कंसीलर के बाद इसलिए लगाया क्योंकि जारी बात है डार्क आइस थी कंसीलर लगाने के बाद मुझे उससे थोड़ा सा

ठीक है अच्छा अब इसको हमने थोड़ा सा और ड्रास्टिक चेंज देने के लिए हम क्या करेंगे इसमें लाश लगा लेंगे लाइनर वगैरह नहीं ऐड करेंगे लाइनर लगा हुआ है ना ऑलरेडी ठीक है लाइनर लगा हुआ है Haan, अगर वही वाली बात है कि जिसने लाइनर नहीं लगाया वो लाइनर पे लगा सकता है लेकिन लैश जो है ना वो बहुत बड़ा डिफरेंस देता है ये तो भी मेरे पास क्योंकि मैं यहाँ पर लैश ही वाली लेकर आई हूँ अक्सर मैं क्या करती हूँ बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लैशेज लगा लेती अच्छा एंड इट लुक सो नाइस इवन अच्छा I, काश मैं दिखाती तो आपको बहुत अच्छा लगता वो वो अच्छा लगता है लगता थोड़ा ड्रामेटिक है लेकिन एक शादी पे जा रहे हैं क्लोज वेडिंग है तो वाई नॉट तो वाए उस पर जो है, है ना वो बहुत अच्छा लग रहा होता है विद लाइक सॉफ्ट आई शिमरी कलर ना अच्छा यू आर बोल्ड इन कैरिंग ओ या, तो या, या 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 like था मैं एक चीज बताऊँ जो लोग सांवले होते हैं ना वो हैवी मेकअप कैरी कर सकते हैं ठीक है जो लोग गोरे होते हैं ना वो हैवी मेकअप कैरी नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए मैं कहती हूँ जितना आप सामला रखेंगे अपने स्किन पे भी

लैश लगा लेते हैं तो और तो लैश, अगर... लैश की सिलेक्शन कैसे करें हाँ लैश की सिलेक्शन अगेन देखिए मैंने विंग आ, जो है ना वो लैश यूज की हुई है उसकी यह है कि उस थोड़ी सी ऐसे करके है वो है। एंड एंड स्पेशली है। क्यों अगेन जो ड्रूपी आइज है उनके लिए थोड़ा सा साइड कॉर्नर लिफ्ट होना जरूरी है ठीक है और अगर आपकी आइज लिफ्टेड है तो उस पर बिल्कुल वन Uh, जो शेप होता है ना वो लगाना चाहिए ठीक और uh, जिनके आज नॉर्मल भी है उन पर भी वन शेप भी चल सकता है और विंग भी चल सकता है, है। वो सबसे लकी होते हैं लेकिन विंग जो है आप विंग वो uh, मैं अगर सीधी लगाती हूँ ना तो मेरी आँख जो है ना थोड़ी सी वो मसला क्रिएट करने लग जाती है तो मुझे थोड़ी सी विंग जो है ना वो यूज़ करनी पड़ती है विच लुक्स रियली नाइस ऑन मी ऑन माई आई शेप ना राइट right. अच्छा अब मैंने क्या किया ये भी लगा लिया नाउ वट आई वॉन्टेड कि मैं इसको जो है थोड़ा अपना लिप कलर भी चेंज करूँ अच्छा हाँ क्योंकि लिप कलर जारी बात है आपका थोड़ा डार्क होगा तो वो अच्छा लगेगा नहीं ये वाला तो नहीं मैं दूसरा लगा निकालती हूँ so, बाल यही वाले चल जाएंगे नहीं नहीं बाल भी बताती हूँ क्या करूंगी अच्छा, बालों को भी चेंज, चेंज, चेंज वाह मैंने लिप कलर गया है अच्छा डू यू रेकमेंड ये जो आजकल आ, न, हमें करना चाहिए अपनी फेस की स्किन की लुक आफ्टर के लिए इतने सारे हैं जो अवेलेबल हैं और बोटॉक्स ये सब एक टाइम मतलब होता है कि आपने छ महीने में एक दफा करवाया ठीक है हाँ। लेकिन डेली स्किन जरूर साफ करें क्लेंजिंग के लिए आप मैं एक तो ये मशवरा दूंगी कि मशीनों पे हर वक्त नहीं जाएँ क्लेंसिंग के लिए आपने hmm. महीने में एक दफ़ा क्लेंजिंग करा ली है डीप क्लेंजिंग मशीन से इट्स ओके इट्स फाइन बट डोंट गो फॉर एवरी एवरी डे उसके लिए hmm. लड़कियों ने आजकल ब्रशेज वाले वो आए हुए हैं ना मशीन से वो साफ कर लेते हुए हाथों से साफ करें कॉटन से करें मैंने कई तरीके बताए हुए हैं यूट्यूब पर भी लड़कियां जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है हु, दाने निकल रहे होते हैं मेकअप से दाने आ जाते हैं तो आपने जो है वो इस्तेमाल करना है क्लेंजर्स अच्छा मैं बड़ी मैं एक चीज़ में बड़ा कहती हूँ जो मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ बड़ी हाई एंड फाउंडेशन है मैं तीन दिन भी अगर फाउंडेशन लगी रहे मेरे स्किन पर दाने नहीं आते हैं उसकी वजह होती है कि इन फाउंडेशन में एक ऐसा इन्ग्रीडियंट डलता है जो आपको एलर्जी से बचाता है ठीक है अगर किसी फाउंडेशन से आपके स्किन पे दाने आ रहे हैं दैट मीनस उस फाउंडेशन में वो इंग्रेडिएंट नहीं डला नहीं हुआ। ठीक है तो yes. अच्छा प्रोडक्ट जो है अगर आपने लंबे स्टे के लिए मेकअप करना है तो गो फॉर गुड प्रोडक्ट यस, वेरी गुड प्रोडक्ट

चल जाएगा तो <laughs> मैं तो हैरान हूँ शीशा भी नहीं सामने उस तरह से देख रही बट यूर सो बस आदत हो गई है ना अब तो गाड़ी में बैठकर भी मेकअप हो जाते हैं अच्छा सीरियसली कितनी दफा गाड़ी में बैठ के मेकअप किया छः सात मरतबा तो किया है मैंने yeah. अभी तर, हाँ, और ड्राइव भी खुद करती हूँ हसबेंड की क्या फरमाइश होती है ही लवकअप

समटाइम्स आपके आ, uh, बालों में कर्ल्स नहीं हुए हुए uh, कर्ल्स नहीं हुए नहीं हुए बाल अक्सर तेल लगा हुआ हो इवन तेल लगा होता है मुझे याद है मैं अक्सर ना जाती थी जब हम लोग के साहिर का शो होता था ना टी वी वन पे तो वहाँ पे बहुत जाते थे ना तो uh, वहाँ पे एवरी डे होते थे कि आपने पूरे महीना हमारे साथ जो है ना वो एज अ गेस्ट रहना तो अब कभी-कभार ऐसा होता तेल लगा हुआ होता था तो मैं स्लीक करके वो लगा के आज बाल अच्छे लग रहे हैं तो मैं कहती थी कि वो तेल लगा हुआ है कुछ सारी करके तो उसको, उसको बांध लिया अच्छा सो यू यू कॉन्फिडेंट तेल लगा हुआ है तो आप उसको भी आराम से कह रहे थे तो लाइव शोज़ ऐसे किए मैं लेकिन को स्लीक बैक करके जेल मुझे अक्सर कॉल्स आती थी ना लाइव कॉल्स की आज आपके बाल अच्छे लगे आपने कौन सा जेल लगाया मैंने कहा तेल जेल है ऑयल लगा हुआ बालों पे अच्छा। मैं बहुत ज्यादा ऑयल यूज करती हूँ कौन सा ऑयल यूज करती है करती? खोल ताकि आपके जो बालों का स्टाइल है वो, अच्छा। जो सेट हुआ वो, तो वो जो है मैं जो हूँ यूज करती हूँ जो ऑयल है वो अपना खुद का बनाया हुआ अच्छा ये मेरी अपनी रेसिपी है और इसको मैं भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ और क्या डालती हैं आप उसमें उसमें वैसे तो सीक्रेट रेसिपी है <laughs> क्योंकि ये बेचना चाह रही है वाला ऑयल कोई बात नहीं एक दफा बता दें उसके बाद हाँ, बेचना शुरू कर दें नहीं ये ये इससे बहुत लंबा काम है आप हाँ. थोड़ी देर बाद कहेंगे छोड़ो अब बस हाँ. बताओ मुझे बस क्या तेल मैं ये मैं में रीठा आंवला इसमें नहीं नॉट रीठा आंवला सिकाकाई देन uh, इसमें जो है वो है गुलाब की पत्तियां भी है कोकोनट भी है फिर इसको पकाना पड़ता है फिर इसमें कुछ सब्जियां भी डालनी पड़ती हैं, सब्जियों को जला कर डालना पड़ता है तो इस तरह मतलब प्याज और पता नहीं कौन कौन सी सब्जियां मिक्स करके उसको जलाना पड़ता है और फिर अच्छा, जाकर बनता फिर जाके बनता है, है।, जाके बनता है। जी ग्रेट लेकिन आ, आपको भी ये सारी चीजें जो है टिप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसमें चलने के लिए हाँ ये

सुबह सवेरे आपने आमला अगर खाएंगे तो आपके बाल ग्रे होने से बचेंगे तो उसमें मैंने खाना शुरू किया जिसमें बच गए थे अचार भी होता है अचार भी होता है आपको खाना है किसी भी उसमें किसी भी फॉर्म में हाँ और आजकल तो आमला आम्र, फ्रेश भी आया हुआ है बिल्कुल आप उसका जूस भी थोड़ा सा अगर जो वो होता है बड़ा मुश्किल सा उसको किसी और जूस में पी सकते हैं बल्कि मैं आमला और दो तीन हर्ब्स

ये हमने बताया है अपने शो में भारा कि अच्छा। इस, इसी को त्रिफला कहते हैं इसका जो हर्बल नेम है उसको त्रिफला कहते अच्छा, हैं। वो बड़ी हड़ को बड़ी हड़ और आमला और एक और कॉम्बिनेशन होता है कुछ अच्छा ये त्रिफला इनको कहते हैं इसका नाम मुझे पता था मुझे आज ही तो पता चला थ्री फ्रूट्स थ्री फ्रूट्स अच्छा है वो उसमें ऐड करके हां दिस इज रियली गुड एक्चुअली दिस इज वेरी गुड जी

अंडरस्टैंड एंटरटेनमेंट के साथ भी सीखें भी कुछ. ना यह बहुत ज़रूरी है इसलिए कि आजकल हमने जो पिक्चर परफेक्ट लाइफ का एक कॉन्सेप्ट दे दिया है ना कि हर एक बंदा जो है ना उसकी जिंदगी में बस सब कुछ है इसलिए वो खुश है नहीं आपको खुश रहने के लिए कोशिश करनी पड़ती है नई भी चीज़ें मुकम्मल होंगी तो अधूरे जो कुछ चीज़ें मैं एक एक चीज़ में, में बता दूं कि सब लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला कैसे नवाज़ देते हैं चीज़ें मैं कहती हूँ अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें और बहुत बड़ी मिसाल जो है मैं फरा की देती हूँ हर जगह पर जिस तरह से अपनी वालदा का ख्याल रखती है ना ये ये देखिये मुझे वैसे नहीं आपने कभी बताया मुझे ये पता चला और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको जो है ना इस चीज़ पे और ज्यादा हूं, वैसे मैं रखती नहीं लेकिन थैंक यू वेरी मच वैसे मुझे पता आप रखती हैं ये ये मुझे बहुत स्पेशली मुझे जो है ये पता है कि आप बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं अच्छा हम कंटिन्यू करेंगे बातें अभी आपने इतनी तारीफ कर दी है तो ब्रेक तो नहीं माइंड अपनी करूँगी लेकिन मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ फिर आते हैं और मिलके गुनगनाए हैं गुम शराज खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए आओ फिर से मुस्कराए मॉर्निंग विद खरा